कहाँ चल गई ले? हम कब से चिल्लाते नहीं हो खुल के? हमके तो लगल का आप सबके छुट्टी दे दे दूँ, कहे कि अभी सबके हम बाहर जाते देखनी है। ना, हम क्यों की छुट्टी ना देनी? और रोहन बेटा, लाइट्स, बेटा, यहाँ लाइट्स की कुछ होत रहल? जस्ट रिलैक्स, कुछ भी नहीं खे, इस जस्ट की टाइम बहुत हो गेल बा और हमके लगा था कि आपके सूते के चाहिए, कुछ ना, हम बनी ना, हम सब संभाल ले। हम ठीक बनी, तू जा। रोहन बेटा, लाइट्स को देख लिया। रिलैक्स मॉम। लाइट्स ऑन कहीं नहीं खेत कैसे गिर सकेला? ऐसा तो क्यों नहीं खे? हाँ, आवाज कहां से आवता? रांची, ये तो सच में डर गई ली। लगातार आज जी टाके पर चढ़कर अपन काम कर शुरू कर दी है ना? अच्छा भाई, अभी हमने के अगला कदम उठावे के चाहिए। खून, नल से खून आवत है। रोहन बेटा कहाँ बाड़ा तू? मम्मी जी, क्या? कहाँ देख रहल बानी आप? हम यहाँ बानी। क्या? काजल, तू? हाँ अंबानी मम्मी जी, आपकी अपन बहू। आप ही मर ले बानी ना, अब हम आपके ना छोड़ा। जेकरा पे हम सबसे ज्यादा भरोसा कहनी, आज उहे हमार भरोसा तोड़ देलस। आपके बताबा, हम यहाँ पे काहे अलवानी? काहे? आपके मारे खातिर। और जब तक हम आपके आपके आखिरी सांस ले इतना देख ले बेनी, तब तक हमारी आत्मा की शांति ना मिली।
बताई ना मम्मी जी, काहे मारनी आप हमरा के, कैसे कहनी आप ही सब, आप बोलत काहे नहीं की बोली, काहे मारनी आप हमरा के? ना ना काजल, हम तोहरा के ना मारनी, हम तोहके कैसे मार सके नी, हर वक्त हम तोहार साथ गेले बानी, तोहके अपने साथ रखनी हो। काजल बेटा, हम तोहके ना मारनी, हम तोहके ना मार सके नी। हम बताओ तानी आपके, आप ऐसे मारनी काहे की आपके बच्चा चाहत रहे? हम मानते नहीं कि हमके एक वारिस चाहत रहे, को छोट बच्चा चाहिए हमके, लेकिन ओकरे खातिर हम तोहार खून ना कर सके नी, ताके मार के हमके कोनो बच्चा ना चाहत रहे, कोनो वारिस ना चाहत रहे। आप हमरा की बताई कि हमार खीर में हीरा के मिले ले रहे? हम नहीं के जानत, तू जाने लो कि तोहरे काले पर केहू के तोहरे रास्ता से हटावे खातिर अपने खीर में हीरा मिलावले रहनी जा। तोरे ब्याहता जिंदगी में को काटा रहल, ओके हटावे खातिर तो चाहत रहलो कि शीला, शीला हमेशा खातिर तोरे और रोहन की जिंदगी से हट जाए। वही चुकने खीर में हीरा डलले रहनी, लेकिन फिर ओ खीर कैसे बदल गई, ओ खीर तू कैसे खेलू हमके नहीं खे मालूम, हमने की प्लान हम पे ही कैसे उल्टा हो गई, हम नहीं की जानत, हम तो के ना मरनी, हमके मत मार प्लीज, हम तो के ना मरनी, हम तो के काबू ना मार सके नी। हम तो के ना मरनी, आप कुछ ना कहनी। विक्रांत, विक्रांत बेटा, देखिए काजल आइल बैजा, ओ हमके मारा चाहती है, ओकरे सर पे खून सवार बा। वंदना जी आंख खोल के देखी, ओ काजल ना दिव्या हा। जी रोहन, तेई सब तुहार नाटक रहल, एगो मुजरिम हो, एगो खूनी होके काजल के खून का इल्जाम तू हम पे लगावल चाहत बड़ू? खबरदार, अगर हमार पत्नी के कुछ कहलू ता वो बेगुना भी आ, हम आपके मॉम कहेनी, आप हमार पहला पत्नी के माँ ही ना, आप हमार बीमार हलू, हम अनाथ रानी मॉम, और हम आपके अपनी माँ मननी, और आप हमरे घर तोड़े के साजिश कैलू, आप शीला के मारे खातिर साजिश कैलू, सरिता पर गलत इल्जाम लगैलू, अरे काजल तो ना समझ रहल, बच्ची रहल, आपकी ओके सही रास्ता दिखावे के चाहत रहल, जानवी के मौत के बाद जौन कुछ भी भाई ओकरे बावजूद हम आपके अपन घर में, अपन दिल में, अपन जिंदगी में जगह देनी, आपके मॉम समझत रहनी ना हम, और एगो माँ का कहली अपन बेटा के गृहस्थी बर्बाद करे के साजिश कहली। हमके माफ कर दो विक्रांत बेटा, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई, भाग गए रहनी हम, हम सरिता से बहुत ज्यादा नफरत करत रहनी, हम ना सोचले रहनी कि सब हो जाए, हमारे यकीन करे हम काजल के ना मरने, विक्रांत बेटा हम काजल के ना मरने, हम काजल के ना मरने। विक्रांत शायद आपके माफ भी कर दे, लेकिन आप माफी के लायक बानी ना। वंदना जी, बहुत हो गए आपके ये नाटक, आप जौन कुछ भी अभी अभी कहनी वो सब रिकॉर्ड हो चुकल बा, और अभी सबूत सीधा जाए पुलिस के पास। शर्म आवता हमरा आपके माँ कहते हुए, आपसे अपन बेटा के खुशी देखल न गई, सबसे पहले आप काजल और हमार पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कैलू, काजल के हमरा से दूर कैलू, और आज जब शीला हमरे जिंदगी में आईली आप ओकरा के भी छीने की कोशिश कैलू,
घिन आवता हमके आप पे। आपके तक कड़ा से कड़ा सजा मिले के चाही मॉम। हम माना तनी के मॉम से बहुत बहुत बड़ गलती भइल बा, मगर काजल के मौत से उनके उनकरा कैला के सजा मिल गई बा। उनकर सीना पर ही अपराध बोध बा जो जिंदगी भर रही, इतना सजा काफी बा। हमार माँ नहीं खे, हम जानवी के माँ के ही आपन माँ मानले बानी, तो हम आप सब से आपन माँ के तरफ से माफी मांगत आनी और आपसे विनती करत आनी कि आप उनकरा पश्चाताप करे के एक मौका दी। विक्रांत जी, हमके माफ कर दी, हम माँ का हिलाक नहीं की। एगो माँ हो के जो नाम कहीं नहीं है, वो दुनिया के कोनो माँ ना करे। माफ कर दे हमके। आपके कहे के मतलब कहा? सरिता बेटा, वो दिन शीला खातिर तू अलग खीर रखले रहलो, गुलाब के पंखुड़ी वाली, फिर वैजा काजल आई और ओमें हीरा के अंगूठी डाल दे रस। जैसन तय कर ले रानी के, वही तरह काजल शीला के खीर खिला दिया लस। हम तो इंतजार ही करते रहने की शीला खीर खे खा के ढेर हो जाए, लेकिन देखते ही देखते हमारे काजल ही मर गए। हमारी यकीन मानी, हम अब तक समझ नहीं पाए नहीं कैसे हो गए। हम कुछ ना कहने विक्रांत बेटा, अगर शीला के मारे के ई साजिश रहल और शीला जिंदा बिया तो मॉम खूनी नहीं की, ये तो बस एगो एक्सीडेंट रहल। ऐसा हो सकेला, कहे कि केहू के भी उस साजिश के बारे में पता होखे तो खीर बदल जा सकत रहा, लेकिन केहू के पता ना रहल ओकरे बारे में। अगर ऐसा भइल तो हमने ये साबित कैसे करब कि तू बेगुनाह पाड़े? एक मिनट विक्रांत बेटा, वो दिन बार बार हम कैसा लागत रहल कि क्यों हमने देखा था, हम कैसा लागत रहा कि जब हमने कि वो हीरा खीर में मिलौनी तब क्यों हमने के देखलस? के रहलू? पता ना, जब हम काजल के साथ बात करते रहने तो हमके दो तीन बार ऐसा लागल कि क्यों हमने का बात सुना था, हमने के देखा था। हम बाहर भी गए नहीं ओकरा देखे खातिर, लेकिन लेकिन क्यों नजर ना आए। वो दिन करवा चौथ के दिन हमके भी ऐसा लागत रहे कि क्यों बार बार हमके देखा था। ये बात तू हमरा के पहले कहे ना बतेलू? हमके ना पता रहल कि बात इतना बढ़ जाए। I'm sorry। पूरी रात वो कांस्टेबल भी कहले रहल कि केहू वहां आयल रहल और सबूत के साथ छेड़छाड़ करे के कोशिश करत रहल। हां, के हो सकेला वो? कहानी विक्रांत और सरिता जी से बोलो, ईजा हमने के साथ रह लो। बेवकूफ, दामाद जी के तू ऊपर वाला कमरा में रखला,
अरे वो कमरा उनके रहे लायक बा? अरे इतना बड़ घर में तो के उहे कमरा दिखल? अरे हमरा से भी तो पूछ ले रहता, हम मना कर देती का? हे मुरली मनोहर, हमरे अल्लाह के गाय पर इतना बड़ा मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ा, असल में वो हमने के साथ रही तो कर हिम्मत ही बढ़ी। वैसे हाउ तो बड़ा किस्मत वाली, जनता के विक्रांत जैसन पति मिला जन हर कदम पर हर मुसीबत में तुहरे साथ खड़ा बा। हम विक्रांत और सरिता जी से यह काले बने को लोग जा रहा हो, सुरक्षित रह लो। अरे तो हम कब मना कर ली? हाँ अरे सरिता ये घर के बेटी भी है, इस बुरा वक्त में हमार पूरा परिवार तोरे साथ बा। काबिल तो रखे कुछ ना भाभी, हम ठीक बने। हे भगवान, हमार बेटी के का हो गई? परेशान काहे बाड़ू? माँ करवा चौथ के रात काजल की जगह हमार मौत हो सकत रहे। माँ ये सारा चीज रोहन के माँ और काजल के ले रहे। माँ हमार नसीब अच्छा रहेगी कि हमार जिंदगी बदल गई? माँ जब तक हम जिंदा बानी मजौल बक कोनो तरह ऊपर आंख उठा के देखी। चला लेट जा, सुत जा, आराम से, डरे मत, सुत जा, सुत जा। नानी अब रो काहे रहल बानी? अभी नानी बहुत सारा मिस्टेक के ले पिया। तो फिर आप सॉरी कह दी? मम्मा कह ले रानी, अगर हम घर पर ना आई तो कोनो भी रोई है तो उनकर आंसू पोछ दिया। आपके कोनो प्रॉब्लम बा तो अभिमान सूर्यवंशी बा। बेटा हम सबका गुनाहगार है, हाँ आपके भी। नानी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा। हम तो हर जगह ना ले भी चाहत रहनी, हमारे विश्वास कर काजल, हम तेरे रोहन से अलग ना करे चाहत रहनी। प्लीज हमार विश्वास करा काजल, हमार विश्वास करा। काजल अब तोहरा के कब्बो परेशान ना करी है, ना ही तुहार जिंदगी से खिलवाड़ करी है। काहे कि हम वो काजल नाम के कांटा के हमेशा हमेशा के खातिर हटा देनी। हमरा पर बेटी के बचावे के खातिर वो कमीनी काजल के खून करे के पड़ा। अगर हम ओकरा के ना मारती तो वो तोहरा के मार देती। हम माँ बानी, हमरा होखत काजल तोहरा के जहर कैसे दे सकेनी? जे तोहरा के मौत के घाट उतारे के चाहत रहनी खुद दे मर गई। ऊ करवा चौथ के रात
जब हम रसोई की तरफ पानी लेवे खातिर जात रहनी तो हम देखनी आज के रात, बस आज के रात शीला, कहे कि हम तो आर खीर में हीरा जी मिला दे लेवानी और ये हम करवा चौथ के व्रत रख लेवानी ना आपन पति रोहन खातिर, ये हम तबे खोला जब हम तुहार मरल शकल देखब। जे तोहरा के मौत के घाट उतारे की चाहत रहे वो खुद ही मर गई। अब हमरा के का पता रहे सरिता ही जाल में फंस गई है, लेकिन हमरा के विक्रांत पर पूरा भरोसा बा, वो ओके कुछ ना होके देत। हम कोशिश करब सरिता और विक्रांत जी कहीं दूर चल जाए और फिर ये मामला भी ठंडा हो जाए है और केहू के पता भी न चले है काजल के मर्डर कैसे भइल। माँ? हाँ, का भइल सिला बेटी? कल रात तू हमार कमरा में सुत गल रह लू का? नींद में हमरा के ऐसा लागल जैसे तू हमार सर पे हाथ फेरत आड़ू, हमार ध्यान रखत आड़ू। माँ बानी ना हम तोहार, तोहार कब और कितना ख्याल रखेनी तोरा के यूहो नहीं खे पता। सब जाना तानी माँ, तू हमार बहुत ध्यान रखेलू, सब पता बा हमरा के। बस बस अब जाता मत चिपका, ऊपर दमाजी बैठल बानी उनका के चाय दियावा, ना तो ऊ तोहार माँ के बारे में का सोचे। लवा माँ हमरा के दे दा, वैसे भी तोहार पैर में इतना दर्द बा, काहे सीढ़ी चढ़ के दर्द बढ़ा रहल बाड़ू। लवा हम दियावा तानी। रह दा, जैसे तू हमार बेटी बाड़ू ना, सरिता भी तो हमार ऐसे बेटी बाड़ी। जितना ख्याल हम तोहार रखे नी सरिता के भी तो उतना ही रखे की चाहिए ना। चला हल्दी वाला दूध पीला। माँ माँ तू इतना अच्छा काहे बाड़ू, सबके ध्यान रखेलू, सबके ख्याल रखेलू, थोड़ा सा अपन भी ख्याल रख लिया हल करो ना। चला चला देख क्या आई कि तोहार बाबूजी चाय पी लेवानी की ना, और ई चाय भी देव हम, ठीक बा? कुछ ना, अभी कहाँ बा? अभी तो दिव्या के साथ गेम खेला था। डर लगत रहेला सरिता, ऐसे ही दिन बीतल जाता और हम अब तक कुछ ना कर पैनी। तुहार सर से खून के इल्जाम मिटा ना पैनी है, ना ही खूनी तक पहुंच पैनी है। मिस्टर सूर्यवंशी, आप तो पूरा कोशिश करत नहीं ना, अबे मैं आपके का गलती बा? जब वो चोर इतना शातिर बा, वो तक पहुंचे के कोनो सबूत ही नहीं के मिलत, तो हमने का कर सके नहीं के? ना सरिता, हम ऐसे हार ना मानब। जब तक वो खूनी के सलाखों के पीछे ना डाल दे हम चैन से ना बैठब। सरिता बेटा चाय। माँ आप का ऊपर तक कहीं नहीं, आपके तो पैर में तकलीफ बना, हम क्या आवाज दे देती? हाँ माँ जेती। चला पगली, हम तोरा खातिर इतना भी ना कर सके नहीं,
तू भी तो हमारी बेटी बाड़ू ना, और हम सब के इतना साल तू सेवा कर लू, हमरा भी कुछ करेदा। अभी दिखाई न दे रहल बा? अभी वो तब अपने दिव्य आंटी के साथ खेले में मगन बा। विक्रांत बेटा, एक बात बोली, बुरा मत मानिया। बोली ना, हम आपके बात के बुरा काहे मानब? हम जाने नहीं, तू दोनों के 24 घंटा पकड़े जाए के डर लगता, खूब कोशिश कर रहा तू, खूनी पकड़ल ही ना गई। बस हम तो इतना ही कहे नहीं, भगवान ना करे तू पकड़ल गई तो अब की बार बचल मुश्किल हो जाई। कितना मुश्किल से तुहार घर बसल बा, फिर अलग हो जाइबू सरिता के। इतना साल के बाद प्यार मिलल हा, खुशी मिलल हा, और तू दोनों के अलग अलग हम ना देख सकब। हमरा पास एगो रास्ता बा, ई घूरी पकड़े के चक्कर छोड़ दा विक्रांत बेटा, और अभी सरिता के लेकर ई भोपाल से का हम तो कह रहनी हा, ई देश से बाहर चल जा। तुहार तो विदेश में इतना बड़ा बिजनेस बा, कहीं भी चल जा, एक कोर्ट कचहरी से दूर एगो नया जिंदगी शुरू करा। शायद आप ठीक कहते हैं, पर कोशिश करके देख लेंगे, हम फिर से अपन परिवार बिखरते ना देख सकेंगे। शायद यही एगो रास्ता बा। हम जाने नहीं, तू दोनों सोच समझ के ही फैसला करवा। हमरा के माफ कर दा सरिता, हम ही सब अपन बच्ची के खातिर कहनी, हमरा के का पता तू एमे फंस जाइबू। हम बिल्कुल भी ना चाहत रहनी कि हमार करल के सजा तू भुगता, यह खातिर सरिता चाहे यहाँ से अपन पति के लेके दूर चल जा, काहे कि हम खुद अपन जुर्म के इकबाल ना कर सकब, हम अपन पति और बच्चा के छोड़कर ना जा सकब। यह खातिर तू हर विदेश चल जाएल ही सही फैसला होगी बेटा, चल जा। आप लोग जोन भी हमनी खाती कहली वो हमनी कभी ना भुला पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमके लगे लागल बाकी यहां भी रहल खतरा से खाली नहीं खे, यही खातिर हम डिसाइड कैले बानी कि हम सरिता और अभी के लेके जर्मनी चल जाए हमेशा खाते। ये केस के चलते देश से निकल के जाइल बहुत मुश्किल हुई विक्रांत, और कोनो तरह निकल भी गईला तो कभी साबित ना कर पाए कि सरिता जी बेगुनाह पड़े। हाँ, पूरा जिंदगी झूठा खून के इल्जाम अपन सर पे लेके जियत रही है नहीं। और फिर सरिता अपन देश और अपन दुनिया में कबो वापस ना आ पाई। हम जाना तनी दिव्या, लेकिन हम का कर सके नहीं, ये हमरे खातिर भी एक बहुत मुश्किल फैसला बा। लेकिन आप लोग तो देखा तनी ना, तमाम कोशिश के बावजूद अब तक कातिल के ढूंढ ना पाई नहीं, आज ना तो कल पुलिस हमनी के ढूंढ ली, और सरिता के वो गुना के सजा मिली जो सरिता कैले ही नहीं की। हम भी अपन देश छोड़ल नहीं की चाहत, लेकिन और कोनो रास्ता नहीं खे बा हमनी के पास, सिर्फ हमनी हमनी जाना तनी कि सरिता बेगुनाह बिया। कैसे साबित करब हम भी, कोनो सबूत भी तो नहीं खे बा हमनी के पास। इस सबूत का हो खेला डैडी, बताए ना डैडी, सबूत मतलब का हो खेला? बेटा सबूत एक ऐसा चीज बा जो अगर हमनी के मिल जाए तो आपके मामा और डैडी के ऐसे छिप के ना रहे के पड़ी। तो फिर आप
आप हमरा के लेके चली ना कोर्ट में, हम मम्मा के सबूत बन जाई, हम सबके बता देब कि हमार मम्मा वर्ल्ड की सबसे अच्छी माँ बाड़ी, अच्छा अच्छा बात सिखावे नी, वो तो कब्बो कोनो गलत काम कर ही ना सके नी। अभी बेटा कोर्ट आपके बात ना मानी, उनका के सबूत चाहिए हुई, जैसे कोनो फोटो या वीडियो जिकरा से साफ पता चल जाए कि आपके मम्मा कोनो गलत काम नहीं के कैली। तू सब सुबह सुबह ये बच्चा के दिमाग पर इतना जोर काहे डाल रहलू हो, चला नाश्ता कर ला। हमरा पास बाय कोई सबूत, मम्मा मम्मा हमरा पास एगो सबूत बा जैसे कोर्ट आपके छोड़ दी है। का सबूत बा आपके लगे? हमार टॉयज कार जैसे हम उ दिन खेलत रहनी। अरे बेटा खेल खिलौना सबूत ना हो खेला, वो तो बच्चा के खेले के चीज बा। वो हमार स्पेशल टॉय कार बा, ऊपर वीडियो कैमरा लगल बा, वो जब भी चलेला ना सब रिकॉर्ड हो खेला। हाँ बेटा, लेकिन वो आपके टॉय कार है तो आप अपन कमरा में ओकरा से खेले नहीं, तो जॉन भी रिकॉर्ड हुई या तो आपके कमरा के हुई, जैसे कि आपके टॉयज, आपके रूम, आपके टीवी, है ना? ना अंकल, ओकरा साथ एको रिमोट भी बा, जिससे हम ना वो कार के पूरा घर में घुमावत रहनी। वो कार हमार डैडी पिछला साल हमार बर्थडे में दिले रहनी। का भल माँ, आपकी तबीयत ठीक निकली लागत? हाँ, तनी थकावट सा महसूस हो रहल बा। हाँ माँ, तू आराम कर, हम चाय बिछाओ तक। हाँ बेटा, और का बताओ तरनी आप अपन कार के बारे में? ओ दिन ना हम अपन कार से पूरा घर में खेलत रहनी, किचन हॉल बेडरूम, हम मम्मी डैडी के फर्स्ट करवा चौथ के वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनका के सरप्राइज देवे के चाहत रहनी। अभी बेटा ऐसा मत खेला, बाहर जाके खेला। अगर ये गाड़ी में कुछ निकला तो हम तो फंस जाए, फिर हम ना बचब। अगर खून के सबूत ही गाड़ी में मिल गए तो सारा खेल खत्म, ना सड़े के बा हमरा के जेल में, अब का करब हम? वेल डन अभी बेटा, वेल डन, लगा था तोरे वजह से तोहर मामा बच सकेले। अगर वो कार के वीडियो हमने के मिल जाए तो हमनी के कोर्ट में ओके सबूत के तौर पर पेश कर सकेनी। अब बतावा वो कार कहाँ बा? याद नहीं खे, घरे में कहीं रख ले रहनी, उस दिन के बाद से हम वो कार से खेल भी न करनी। सत्यानाश होके वो गाड़ी के, अब हमरा के कुछ भी करके सबसे पहले वो गाड़ी तक पहुँचे के बा, वो गाड़ी के वीडियो और गाड़ी के तोड़ के फेंक देव हम, न रहत बांस और न बजे बांसुरी, और आखिरी सबूत भी खत्म। अरे बेटा थोड़ा याद करा ना, कहाँ रख ले बड़ा वो खिलौना, अरे बहुत जरूरी बाबू। अभी ठीक से सोच के बतावा ना, बहुत इम्पोर्टेंट बा बेटा। कुछ याद ना आ रहा बा, लेकिन रूम में ही कहीं बा। सूरज, सूरज देखा था के आयल बा? सूरज के तो हमें बाहर भेजले बनी, मार्केट से सामान ले आवे खातिर, हमें देख लेते नहीं के आयल बा। अरे कमला जी आ
आई ना, आई अंदर आई। हाँ मम्मा, याद आयल। वो कार ना हमार बेड के नीचे बा। ग्रेट। और टाइम वेस्ट ना करे के चाहिए, हम अभी घर जाके वो कार ढूंढ के ले आवा तनी। हाँ बेटा, लेकिन जरा संभल के, पुलिस से बच के, अभी लेट्स गो। हम चलते हैं आपके साथ। संभल के जाए आप लोग प्लीज। दरअसल हम खुद आयल चाहते रहने आपसे मिले। कमला जी, हमसे बहुत बड़ गलती हो गए, यही से हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते नहीं। हमरे किए का सजा तो हमके मिली गई। हमारे बहू जैसे हम प्यार करते नहीं होके हम खो, और हमारे इकलौता बेटा रोहन हमसे नफरत करे लागल बा। विक्रांत जी तो हमके माँ के दर्जा दे के माफ कर दिया ना, लेकिन शायद जिंदगी भर हम उनसे नजर ना मिला पाए। एक वारिस के लालच में हम अपन घर संसार खुशी खुद अपने हाथ से ही खत्म कर दिया। नहीं यहाँ बैठल रही था, गाड़ी कैसे ढूंढब? जैसे अभी की याद आई कि गाड़ी कहाँ बा। सरिता विक्रांत एकदम दौड़ल चलाई है। कमला जी, हम दिल से माफी मांगा था। नहीं हम आपके माफ कर देनी। अब दिल से आप पछतावा कर रहनी हा, तो माफी देवे के तो हमार फर्ज बनेला। चला पुरान बात भूल जा। कमला जी, एक और बात करे के रहा। रोहन सचमुच शीला से बहुत प्यार करेला। अगर आप बीतल सारा बात भुला के रोहन और शीला के रिश्ता के बारे में सोची, तब बहुत एहसान होगी हम पर। कमला जी, ठीक बा, हम इस बारे में सोचब, पर आपके एगो वादा करे की पड़ी हमरा से। हाँ कहीं ना, आप केहू से ई ना बताई कि हम यहाँ आयल रहनी, और ना ही ई बताई कि ई बारे में हमार कोनो बात भइल हा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमला जी, हम आपसे वादा करत नी, आप ए जो आयल रहनी या हमने का बात भइल रहल, ई हम केहू से ना कहब। कमला जी, का बात हो? अब तने थकल नजर आ रहल बनी, हम आप खातिर शरबत लेके आ रहल बनी। ना शरबत रह दी, तनिसा चाय बना ली ता हम पी लेब। हाँ हाँ जरूर। कमबख्त गाड़ी बा कहाँ? इतना बड़ा घर में कहाँ ढूंढी हो कमबख्त के? हे भगवान, सारा घर में खिलौना ही खिलौना फैलल पड़ल बा। तू कमबख्त गाड़ी कहाँ बा? क्या करी? गाड़ी मिल गई। अरे कमला जी, आप चाय में कितना चीनी ले? कमला जी, दो चम्मच। ठीक बा।